नहीं मिलती राही को मंजिले, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से जब कैसे बना हौसला, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो बहुत लंबे समय के बाद हम लोग मिल रहे हैं, और जैसा हुआ है कोरोना का एक लंबा दौर, सभी ने अपने अपने परिवारों को और किसी न किसी करीब वाले व्यक्ति को जो है खोया है। तो आपकी तैयारी में जो गैप आ गया था, जो एक बीच में खाई जैसी बन गई थी, तो उसी को लेके पूरे करंट अफेयर्स का यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम स्पेसिफिक जो है करंट अफेयर्स जो है पूरा पूरा हम लेके आ रहे हैं, पूरे लगभग 2 साल का करंट अफेयर्स। क्योंकि जैसे जैसे करंट अफेयर्स पुराना होते जाएगा, वो आपके स्टैटिक पोर्शन में इंक्लूड होते जाएगा। तो करंट अफेयर्स लगभग 2 साल का पूरा हम लोग इन वीडियोस के माध्यम से कवर करेंगे। तो आज की जो वीडियो का पहला लेक्चर है, वो लेक्चर है हमारा यूएन के ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। इसमें हम मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशन, सार्क, एशियन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर एक वीडियो में बात करेंगे, जो अभी तक का करंट अफेयर्स में उनके द्वारा जो जो चीजें जो है दी गई है उनके ऊपर। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया है, बोलना नहीं पड़ेगा, आप लोग कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो देखिए आज की इस वीडियो में जो है हम अभी तक के ये 33 टॉपिक्स एक वीडियो में कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो भी है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, एक पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड है, तो कवर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अब बात करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जब भी बात करते हैं, पहली बात ये कि ये प्रिंसिपल ऑर्गन है किसका, यूनाइटेड नेशन का। इसका काम क्या है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसकी पावर्स पे बात करते हैं कि ये पीस कीपिंग ऑपरेशन कैरी आउट करती है। इसके अलावा देखिए इंटरनेशनल सैंक्शन जितने भी लगाएगी वो यूएनएससी लगाएगी, और इसके पास मिलिट्री ऑथराइजेशन है कि वो मिलिट्री एक्शन भी टेक अप कर सकती है। तो ये बात बहुत ध्यान में रखने वाली है। अब देखिए ये ओनली यूएन बॉडी है टू इशू बाइंडिंग रेजोल्यूशन टू द मेंबर स्टेट्स। तो ये बात यहाँ पर ये वर्ड जो है ये आपको स्पेसिफिकली ध्यान रख। तो यूनाइटेड नेशन जो है वो कंसिस्ट करता है 15 मेंबर इसमें होते हैं। P5 नेशन जो है वो परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जो है रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, और ये जो है ये परमानेंट मेंबर जिनके पास वीटो पावर है, ये सभी को पता होंगी, ये बेसिक बात है। इसके अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो रीजनल बेसिस पे जो है इलेक्ट होते हैं। अब देखिए इसके ऊपर स्पेसिफिकली जैसे इसको याद करने के लिए जो है कुछ ट्रिक्स वगैरह मैंने चूज की हुई थी कि कैसे याद किया जाए। तो अब देखिए यूनाइटेड नेशन की जब हम बात करते हैं तो नॉन परमानेंट मेंबर की सबसे ज्यादा बात आती है। तो नॉन परमानेंट मेंबर जो है इंडिया का, जो अभी रिसेंट में ये अचीवमेंट इंडिया की बहुत बड़ी है कि एक तो सबसे पहले कि रिसेंटली जो है नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट हुआ है, और ये 8वीं बार है जब इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर के लिए जो है इलेक्ट हुआ है। तो अभी रिसेंट में इंडिया का एक ब्रोशर जो है जिसका ऑब्जेक्टिव था अचीवमेंट ऑफ नॉर्म्स, यानी कि न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म ऑफ मल्टीलेटरल सिस्टम। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यूपीएससी से पक्का क्वेश्चन पूछेगी नॉर्म्स क्या है, ये यूपीएससी पूछेगी क्योंकि इंडिया से रिलेटेड है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आया हुआ है। तो नॉर्म्स क्या है, अ न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम। तो ये एक इंडिया ने ब्रोशर जो है वहां यूनाइटेड नेशन में डिस्कशन के लिए रखा था। तो द वर्ड नॉर्म्स रिसेंटली इन न्यूज इज रेफर्ड फॉर। तो ये स्पेसिफिकली याद रखिए, ये एक ब्रोशर है जो इंडिया ने रिलीज किया है आफ्टर ऑक्यूपाइंग द सीट ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं, ये मुझे लगता है कि इसमें कोई डाउट का विषय रह ही नहीं गया होगा। अब बात करते हैं आगे, अब बात कर रहे हैं कि इंडिया जो है चेयर करेगा यूएनएससी की जो है 3 कमिटीज। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंडिया चेयर कर रहा है किनको, 8वीं बार जो है सिक्योरिटी काउंसिल की जो भी वो है 2021 और 2022 इनके लिए जो है इंडिया चेयर करेगा। अब इंडिया का जो बेसिक एम रहेगा वो यहाँ पे क्या रहेगा, वॉइस रेस करना अगेंस्ट टेररिज्म, और वर्ल्ड में जितनी भी ह्यूमन सेंट्रिक इंक्लूसिव सॉल्यूशंस है और ग्लोबल सिक्योरिटी पे जितनी भी बात हो रही है उन पर। इसके अलावा इंडिया के पास जो है 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होंगे, बेसिक 3 सेंक्शन इंडिया जो है वो लगा रहा है जिनके ऊपर रिजोल्यूशन लाया है। सबसे पहला काउंटर टेररिज्म कमेटी जो है 2022, तालिबान सेंक्शन कमेटी 1988 और लीबिया सेंक्शन कमेटी। तो इनपे स्पेसिफिकली इंडिया जो है वॉइस रेज कर रहा है। अब बात करते हैं यूएनएससी का जो रिसेंट का रेजोल्यूशन आया है 1267 रेजोल्यूशन। तो ये 1267 रेजोल्यूशन किसमें आया, 1999 में ये लाया गया, स्पेसिफिकली लाया गया, आपको ध्यान होगा तो किसके लिए लाया गया वो कमेंट करिए आप। तो ये लाया गया अफगानिस्तान के लिए और ओसामा बिन लादेन को जो है उससे रिलेटेड जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी उनको जो है
टेररिस्ट उससे पहले नहीं कहा जाता था, तो स्पेसिफिक रेजोल्यूशन आया 1267, सैंक्शंस कमेटी बनी। तो उस सैंक्शंस कमेटी के अंदर ओसामा बिन लादेन और जितनी भी उनसे रिलेटेड टेरिटरी है, मतलब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, उन पर बैन लगा। तो अलकायदा बैन हुई, ओसामा बिन लादेन बैन हुआ और तालिबान भी बैन हुआ। तो इसके अलावा देखिए, ये बेसिकली अब तालिबान और अलकायदा तक ही सीमित नहीं है, अब ये 1267 जो है कमेटी जो है वो और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को भी जो है लिंक करके उनके ऊपर सैंक्शंस लगाने के लिए काम कर रही है। यूएन का जो है अभी रिसेंट का 1373 रिजोल्यूशन जो 2001 में पास हुआ, तो उसने क्या किया, कोई भी अगर इंडिविजुअल और जो है और ग्रुप जो भी है वो अगर तालिबान से रिलेटेड या अलकायदा से है तो उसको पूरी तरीके से बार करने का काम इसने किया 1373 रिजोल्यूशन है। अब काउंटर टेररिज्म कमेटी क्या है, अब ये सेटअप होती है 1373 जो ये रिजोल्यूशन आया इससे सेटअप हो गई क्या, काउंटर टेररिज्म कमेटी। अब ये क्या करेगी, ये एनहेंस करेगी लीगल और इंस्टीट्यूशनल एबिलिटी टू काउंटर टेररिस्ट एक्टिविटीज, यानी कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज स्पेसिफिकली हैं उनको काउंटर करने के लिए, उनके लिए लीगल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाने के लिए। जैसे इंडिया में एक एक्ट स्पेसिफिकली लाया गया है टू काउंटर टेररिज्म, तो वो कौन सा एक्ट है या वो क्या है वो एक बार कमेंट करके बताइए। जैसे कुछ एग्जांपल दे दे रहा हूँ, जैसे यूएपीए आया, तो यूएपीए आया तो ये किस लिए आया, ये ताकि किस लिए आया, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, यानी कि कोई भी अगर स्पेसिफिकली बंदा जो है अगर लॉ के अंदर काम नहीं कर रहा है तो उनको डेजिग्नेट करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए यूएपीए लाया गया था। तो ये कमेंट करके बताइए कि क्या इसे इंडियन गवर्नमेंट आई थी या क्या ये कॉलोनियल रिजाइन है और मतलब जो कॉलोनियल पीरियड है उससे चला रहा है। तो अब देखिए, इसके बाद आती है काउंटर टेररिज्म इम्प्लीमेंटेशन टास्क फोर्स CTITF, तो ये स्टैब्लिश होती है 2005 में, इसको यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली जो है वो एंडोर्स करती है और यूनाइटेड नेशन की जो ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी लाई गई थी 2006 में, उसका स्पेसिफिकली ये पार्ट है। अब इसका एम के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि यही चीजें स्पेसिफिक वर्ड टू वर्ड आप नोट्स में लिखी अपने, क्योंकि यही मैंने पूरे नोट्स की ही पीपीटी बनाई हुई है। तो देखिए, ये इसका बेसिक एम क्या है, एनहेंस कोऑर्डिनेशन कोहेरेंस ऑफ काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिस्टम, यानी कि स्पेसिफिकली क्या करेगा, ये जितनी भी काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज हैं उनके लिए कोऑर्डिनेशन का जो एक कोऑर्डिनेशन जो एक की काम होता है और की रोल होता है वो काम करेगी काउंटर टेररिज्म इम्प्लीमेंटेशन टास्क फोर्स। तो ये पूछेगा तो पहले नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए ये वर्ड इम्प्लीमेंटेशन है, तो इसका काम क्या होगा, कोहेरेंस होगा, इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा कोऑर्डिनेशन। तो आपको मेरे हिसाब से बेसिक ऑब्जेक्टिव इसके पता चल जाते हैं। अब यूएनएससी का रिजोल्यूशन आता है 2532, ये किसके लिए है, ये आता है कि डिमांड करता है जनरल और इंटरमीडिएट सीसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज इन ऑल सिचुएशंस, यानी कि जो हॉस्टिलिटीज हैं, यानी कि आप मान लीजिए कि ताज में अटैक हो रहा है तो उस पे जो है इमीडिएट हॉस्टिलिटीज जो बंधक बनाए गए हैं उनके लिए स्पेसिफिकली ऑल सिचुएशन में प्रोटेक्शन की बात करता है। इसके अलावा ये जितनी भी पार्टीज आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में इंगेज हैं उनके लिए ये कहता है कि अगर वहां पे ये हो रहा है तो देयर शुड बी एटलीस्ट 90 डे कंसेक्यूटिव, मतलब इसमें यह है कि अगर कहीं पे भी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है दे शुड रिजॉल्व द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट विद इन 90 कंसेक्यूटिव डेज। और इसमें स्पेसिफिकली क्या एक्सक्लूड करता है, ये यूएन डेजिग्नेटेड जितने भी टेररिस्ट ग्रुप हैं, चाहे ISIS है और जितने भी यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप हैं उनको जो है स्पेसिफिकली ये इसमें नहीं आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो यूएन का रिजोल्यूशन नंबर 31 पे बात करते हैं। तो 31 क्या है, UNHRC का रिजोल्यूशन है जो स्पेसिफिकली श्रीलंका में जो क्राइम्स हो रहे हैं और रिकंसिलिएशन के एफर्ट हो रहे हैं माइनॉरिटीज के लिए उनके लिए भेजा है। यूएन का 41 रेजोल्यूशन है, ये UNHRC का रेजोल्यूशन है जो प्रमोट करता है रिकंसिलिएशन अकाउंटेबिलिटी और ह्यूमन राइट्स इन श्रीलंका। तो इनको स्पेसिफिकली आप नोट करते जाइएगा जिस जिस पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, जैसे जैसे अगर ये पूरा भी नोट कर लेंगे तो शायद ही आपके 5 से 10 पेज के नोट्स बनेंगे पूरी वीडियो के, और पूरे पूरे करंट अफेयर्स बार बार वीडियो देख के जाना और बार बार रिवाइज करके जाना तो लगभग एग्जाम ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो चीजें है ना ये स्पेसिफिकली नोट्स से ही पीपीटी बनाई गई है। तो अब बात करते हैं ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम की, तो ये 2011 में स्टैब्लिश होती है और यूएसए इसको बनाता है। एक्शन ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म है आफ्टर यूएन का जो स्पेसिफिक फ्रेमवर्क है टू काउंटर द टेररिज्म एक्टिविटीज। ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल ये क्या है, ये रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल थिंक टैंक है
जो पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल को अवेयर करता है, किसके ऊपर ये बात करता है। देखिए यहाँ पे बात हो ना, अक्सर क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है, तो जब भी वो आए ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल, तो काम किसके ऊपर करेगा, टेररिज्म के ऊपर। किस पे लेके करेगा ये काम, करेगा स्टेक होल्डर क्या रहेंगे, पब्लिक के स्पिरिटेड इंडिविजुअल, और ये काम करेगा ह्यूमैनिटी और ह्यूमन सिक्योरिटी के ऊपर। मेंबर्स की बात कर लेते हैं, डिफरेंट फैकल्टीज, डिफरेंट बैकग्राउंड्स, जैसे कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं। अभी रिसेंट में एक इंडियन ब्यूरोक्रेट भी जो है ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल का जो है उसमें जो है मेंबर बना है, तो वो कौन है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अब इंटरनेशनल एनर्जी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो है वो अरेंज कराई थी ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल ने, तो ये बेसिकली इसीलिए न्यूज में था, तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट भी है। और दूसरा कौन है वो आप कमेंट करके बताइए। अब यूएस का स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म लिस्ट है, तो अब ये न्यूज में अभी रिसेंट में ही था। तो अब देखिए सूडान को जो है थर्ड अरब नेशन बना, जिसने कि इसराइल के साथ जो है कुछ ही वीक पहले जो है रिलेशन जो है अपने नॉर्मलाइज किए, और ये तभी हुआ। इसके बाद क्या हुआ, यूएन ने इसे स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म लिस्ट से हटाया, एक को जोड़ा भी है, वो किसे जोड़ा है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए यूएस के सिक्योरिटी जो जनरल है उसको ये पावर दी गई है कि जो रिपीटेडली सपोर्ट और इंटरनेशनल मतलब इंटरनेशनल टेररिज्म में जितने भी स्टेट स्पॉन्सर्स हैं उनको डेजिग्नेट करने की पावर दी गई इसको यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। अब इसके अलावा देखिए यूएस जो है वो चार कैटेगरीज में सेंक्शन प्रोवाइड करता है, तो ये कौन कौन से वो है, रिस्ट्रिक्शन ऑन यूएस फॉरेन असिस्टेंस, मतलब कौन कौन सी बात करते हैं, चार कैटेगरी में जो सेंक्शन होंगे वो बात होगी रिस्ट्रिक्शन ऑन यूएस फॉरेन असिस्टेंस, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो फॉरेन असिस्टेंस है उस पर बैन लगाएगा। दूसरा बैन किस पे लगाएगा, दूसरा बैन लगेगा तुम्हारा डिफेंस के एक्सपोर्ट और सेल पे, और कंट्रोल किस पे लगेगा, एक्सपोर्ट और आइटम और मिसलेनियस फाइनेंशियल और अदर रिस्ट्रिक्शन जितनी भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, यानी कि सबसे बड़ा आज की युग में हथियार क्या है, तो वो हथियार है रिस्ट्रिक्शन, इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शन, तो वो रिस्ट्रिक्शन बनाने का काम करता है। अब सूडान की लिस्टिंग के बाद तीन कंट्रीज रहती हैं डेजिग्नेटेड एज मतलब स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, सीरिया जो कि 1979 में लिस्ट हुआ था, ईरान 1984 और नॉर्थ कोरिया 2017। तो आगे बढ़ते हैं, जिसने नोट नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड ईस्ट पैसिफिक। अब देखिए सोशल इकोनॉमिक काउंसिल थी, अब ये क्या है, ये स्पेसिफिक काम कर रही है एशिया और ईस्ट पैसिफिक। अब ये क्या करती है, पांच रीजनल कमीशन इसके अंदर में आते हैं यूनाइटेड नेशन की, जो मैंने बोला कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यूनिसोकॉक, तो ये थोड़ा सा टिकल मुझे भी बोलने में लगता है, आपको भी लग रहा होगा, तो इसको ऐसे ही बोला जाता है कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, तो इसका एक पार्ट है ये, क्या है पांच कमीशन इसके अंदर में है। अब इसके अलावा देखिए ये काम किस पे करेगा, ये रीजनल डेवलपमेंट आम है स्पेसिफिक किसकी, एशिया पैसिफिक। यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि सोशल एंड इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड ईस्ट पैसिफिक, देखिए क्वेश्चन में आंसर छुपा होता है ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। इसके 53 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बैंकॉक थाईलैंड में, इंडिया इसका मेंबर है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन का जो प्रमोशन मतलब कॉर्पोरेशन में प्रमोशन का काम, कंट्रीज में जो है जितनी भी इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो भी गोल्स हैं उनको प्रमोट करने का काम कौन करेगा, इकोसॉक करेगा, यानी कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड ईस्ट पैसिफिक, तो ये स्पेसिफिकली काम करेगा। ठीक है, तो जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है, अगर ये ESCAP दे दिया ना तो इसका अगर आपको फुल फॉर्म आप याद आ गया ना यूपीएससी के एग्जाम में तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, मगर बात यही है कि ये ही याद नहीं आता है, तो ये याद कैसे आएगा, ESCAP आया तो इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक, नोट कर लीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, बिल्कुल ध्यान में आएगा। अब देखिए रीजनल कन्वर्सेशन सीरीज आया बिल्डिंग बैक बेटर, यानी कि बिल्डिंग बैक बेटर ये कौन लाया, ये लाया कौन लाया, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड ईस्ट पैसिफिक। तो इस कमीशन ने क्या लॉन्च किया इसके बारे में देखिए आप, तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड ईस्ट पैसिफिक ने जो है पहली बार रीजनल कन्वर्सेशन सीरीज लॉन्च की है बिल्डिंग बैक बेटर, यानी कि पिछला जो भी है उसको सही करने की सीरीज लॉन्च की है। इसका एम क्या है, ये स्टेट रिप्रेजेंटेटिव और डाइवर्स पर्सनैलिटीज जो कि एशिया के पूरे एशिया में काम कर रही हैं, तो उनमें कोविड के दौरान
जो कॉपरेशन का काम है वो स्पेसिफिकली ये करेगी, ठीक है। तो यानी कि ये लाया कौन, ये लाए इकोसॉफ्ट लाया, ये लाया एस्केप लाया। तो एस्केप ने क्या किया, कन्वर्सेशन सीरीज स्टार्ट की। अब इसको बिल्कुल कहानी की तरह याद कर लीजिए कि सबसे पहले आया यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उसके नीचे आया एस्केप आया। वो एस्केप ने जो है बिल्डिंग बैक सीरीज लॉन्च की, जिसमें कोविड के बारे में जो है याद करने की बात की थी। तो मेरे साथ साथ शायद याद भी हो गया होगा, मैंने 3-4 बार दोहरा दिया है। तो अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर वुमेन, कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, UNCSW। तो CSW वुमेन के रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो वुमेन के बारे में आपने अक्सर न्यूज में सुनी होगी। तो ये प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्लोबल गवर्नमेंटल बॉडी है, क्या है, प्रिंसिपल ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, यानी कि मल्टीपल गवर्नमेंट्स जब एक प्लेटफॉर्म पे आती है उसे बोलते हैं इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, जो स्पेसिफिकली डील करती है जेंडर इक्वालिटी और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो ये एस्टेब्लिश किसके द्वारा की गई थी, इकोसॉक के रिजोल्यूशन ऑफ 1946। तो ये पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने हैं, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मेरे अपने नोट्स में इंक्लूड हैं पर्सनली। तो ये नोट्स ही है एक तरीके से, तो वीडियो के साथ साथ नोट्स बनाते चलिए और पूरी वीडियो के अंत तक आप लोगों के पास पूरी ऑर्गेनाइजेशन के, पूरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नोट्स होंगे। अब ये प्रमोट किसको करते हैं, यूनाइटेड वुमेन राइट्स, हाईलाइट्स रियलिटी ऑफ वुमेन लाइफ थ्रू, मतलब ये पूरा पूरा वही हमने एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या जो है स्पेसिफिकली वुमेन के राइट्स, वुमेन के इशू जितनी भी है। स्टेटस ऑफ वुमेन, यहाँ पर हमें बेसिक क्या याद आना है, स्टेटस ऑफ वुमेन, जो वुमेन के स्टेटस, चाहे जेंडर इश्यूज हैं, चाहे एम्पावरमेंट इश्यूज हैं, रियलिटी क्या है वुमेन की लाइफ की, पूरे वुमेन रिलेटेड इश्यूज पे बात करेंगे। 45 मेंबर स्टेट हैं जो सर्व करेंगे कमीशन के एनी वन टाइम। अब रिसेंटली इंडिया जो है वो इलेक्टेड हुआ है इसका मेंबर फॉर 4 ईयर टर्म के लिए। तो ये 4 ईयर कब से कब तक है, 2021 से 2025 तक। हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम जो है ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये 2020 का जो है वो आया है, वो क्या है, वो उसमें मैंडेट किया है कि डॉक्यूमेंट आप ये देखिए, अभी हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम जो है ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2020 ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसने क्या मैंडेट किया है, इसने मैंडेट किया 2012 का जो डॉक्यूमेंट है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि Rio 20 समिट जिसे कहते हैं, द फ्यूचर वी वांट। तो इस समिट का जो डॉक्यूमेंट था उसकी जो रिपोर्ट है उसको मैंडेट करने के लिए हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम जो है वो आया है। अब ये सेंट्रल ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो रिव्यू करेगा 2030 तक का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एजेंडा है 17 SDGs के ऊपर, उसके ऊपर ये बात करेगा। और ये जो है एनुअली मीट करेगा अंडर द ऑस्पिसियस ऑफ यूएन इकोसॉक, ठीक है। तो अब इसको फिर से एक कहानी की तरह पढ़िए, कहानी की तरह देखिए कि पहले कौन आया, पहले आया यूनाइटेड नेशन की इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। इकोनॉमिक सोशल काउंसिल के बाद कौन आया, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल के बाद आया एशिया पैसिफिक वाली। एशिया पैसिफिक वाली कौन सी लाई, बिल्डिंग बैक सीरीज लाई। अब बिल्डिंग बैक सीरीज के बाद आ गया यूनाइटेड नेशन स्टेटस ऑफ वुमेन, इसके बाद क्या आया हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम वाला ये आ गया। तो इसमें क्या क्या हुआ, इसमें जो हमारा Rio+20 वाला डॉक्यूमेंट था फ्यूचर वी वांट, उसके ऊपर भी बात कर ली हमने, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कहानी की तरह ही, इसको आगे पढ़ते रहेंगे हम। अब यहाँ पे बात आ गई बीजिंग की, स्पेसिफिक बीजिंग डिक्लेरेशन ऑन प्लान ऑफ एक्शन BFPA। तो पहले सबसे पहले क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो ये स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसके ऊपर हम लोग एक बार बात करते हैं कि ये स्पेसिफिकली क्या है और ये कैसे काम कर रहा है। तो अब बीजिंग डिक्लेरेशन की जब हम बात करते हैं तो रिसेंटली क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने यूनाइटेड नेशन मतलब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और यूएन वुमेन ने जो है कंबाइंडली नेशनल कंसल्टेशन फॉर रिव्यू ऑफ बीजिंग +25 मीटिंग का एक ऑर्गेनाइजेशन किया। तो ये क्या था, 25 ईयर ऑफ मार्क ऑफ एडॉप्शन ऑफ ये बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन का जो है 25 ईयर यहाँ पे कंप्लीट हुए। तो अब ईयर 2020 के बारे में जब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं, बहुत से रीजन से जो है ये हाईलाइट्स में रहा है, पहला कोरोना है, दूसरा जो है कई और रीजन है, उनमें से एक है बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन। तो ये मार्क करता है 25th एनिवर्सरी ऑफ 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन, इसमें अडॉप्ट किया गया था बीजिंग डिक्लेरेशन फॉर प्लान ऑफ एक्शन 1995, जिसे बीजिंग 25 का नाम हमने दे रखा है। अब BPFA क्या है, ये अडॉप्ट किया गया था 4th काउंसिल ऑफ वुमेन 1995 में। इसके बेसिक एम्स क्या है, वुमेन और
जेंडर इक्वलिटी के 12 क्रिटिकल इश्यूज पे बात कर रहा हूँ। 12 क्रिटिकल इश्यूज क्या है नीचे बता रहा हूँ मैं। तो इससे पहले जो 3 अदर्स हैं वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट हुआ आपका मेक्सिको में 1975 में, सेकंड हुआ वुमेन कमीशन का जो कोपेनगम में 1980, और थर्ड वुमेन कमीशन का हुआ नैरोबी 1985 में। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग साथ साथ इसके नोट्स बना रहे होंगे और बिल्कुल फ्लो में एक रिदम में चल रहे होंगे। तो अब यहाँ पे क्या है, बीपीएफए के जो है रिव्यू जो होता है वो हर 5 साल में होता है ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन। अब सीएसडब्ल्यू क्या काम करता है, ये फंक्शनल कमीशन है ऑन यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यानी कि जो ये है ये किसका ऑर्गन है, ये ऑर्गन है इकोसॉक का। ठीक है, और ये प्रिंसिपल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है और ये हमने पीछे बात कर ली है। ठीक है, अब प्लेटफॉर्म जो है एक लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है, इसके अलावा देखिए इसने पहले फैसिलिटेट किया किसके बारे में, परसिस्टेंट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वायलेशन ऑफ गर्ल्स एक्ट। ठीक है, आपको ये बातें जो है मेरे हिसाब से पूरी पूरी समझ में आ रही होगी, और कोई भी बात ऐसी नहीं है कि सबके ऊपर से जा रही हो, कोई जा भी रही हो तो कमेंट करके बताना, उसके ऊपर बात करेंगे कभी लाइव सेशन के ऊपर। तो रिपोर्ट ऑन प्रोग्रेस ऑफ बीजिंग डिक्लेरेशन, अब इसके ऊपर बात करते हैं। तो एक रिपोर्ट आई है अभी अभी, अ न्यू एरा ऑफ गर्ल्स टेकिंग स्टॉक ऑफ 25 ईयर्स ऑफ प्रोग्रेस। तो ये किसने रिलीज की है, यूनिसेफ। ये क्या है आप बताइए कमेंट करके क्या है। तो बेसिकली यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आती है क्या, अ न्यू एरा ऑफ गर्ल टेकिंग ऑन 25 ईयर्स ऑफ प्रोग्रेस। तो ये यूपीएससी का सीधे सीधे क्वेश्चन है कि किसने रिलीज किया है, हर साल एक क्वेश्चन आता है तो आपके भी हो सकता है। तो ये 1995 में जो है वर्ल्ड ने बीजिंग डिक्लेरेशन और को जो है एक्सेप्ट किया, और इस पे जो है जेंडर इक्वालिटी के लिए सबसे ज्यादा जो है कौन न्यूज में रहता है, बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन। अब देखिए ये काम क्या है, ये इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन इंग्लैंड। ठीक है, और ये बात करेगा इसके ऊपर इक्वालिटी और जेंडर राइट्स के ऊपर। तो आगे बढ़ते हैं, तो कहानी कैसे चल रही थी वो लास्ट में आप एक बार डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बार बार कहानी के रूप में समझेंगे तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब कोपेनहेगन के ऊपर जो है वो बात करते हैं। तो कोपेनहेगन एंड बीजिंग प्लस 25 इसके ऊपर बात करते हैं। तो ये क्या सिग्निफाई करता है, वुमेन कमीशन ऑन वुमेन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन WCW, ये ऑर्गेनाइज करता है कौन, यूनाइटेड नेशन। तो ये इसके ऊपर स्पेसिफिकली बात करता है, और 2020 जो है वो मार्क करता है 25th एनिवर्सरी ऑफ 4th वुमेन काउंसिल। मैंने क्या कहा कि एक जो 2020 ईयर है वो अपने आप में बहुत ही सिग्निफिकेंट ईयर है, और पूरा पूरा जो है चर्चाओं का विषय रहा है, चाहे कोरोना भी रहा तो बीजिंग डिक्लेरेशन जो है वो टर्निंग पॉइंट था इन एरिया ऑफ जेंडर एंड इक्वालिटी। और प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन कब लॉन्च हुआ था, ये लॉन्च हुआ था 1995 में, इसीलिए इसको कब कहा गया बीजिंग प्लस 25 आपका पूरा वो हो गया। आगे बात करते हैं, अब बात करेंगे यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप। अब जैसे वो था एशिया एंड स्पेसिफिक, वैसे ये है, ये सेटअप होता है 1947 में इकोसॉक के द्वारा। ये 5 विग्नर कमीशन का जो है पार्ट है। इसके अलावा इसका मेजर एम क्या है, पैन यूरोपियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इसमें 56 मेंबर्स हैं, यूरोप नॉर्थ अमेरिका प्लस एशिया, और इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, ये बात यहां रखना कि कौन सा मेंबर है कौन सा नहीं है, क्योंकि इसी पे यूपीएससी का स्पेसिफिक क्वेश्चन रहता है कि कौन मेंबर है और कौन नहीं है, तो स्पेसिफिकली इस पे हमें ध्यान देना है। ठीक है, अब यूएन की जो है अभी एक रिपोर्ट आई है, ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल रोडियस TIR कन्वेंशन। तो ठीक है, ये क्या है, इसके ऊपर स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं तो जो ट्रांजिट सिस्टम है अंडर ऑस्पिशियस ऑफ यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप, ये फैसिलिटेट करता है सीमलेस गुड्स विद इन अमंगस्ट पार्टीज टू द कन्वेंशन। इसके अलावा देखिए जो TIR है ना, TIR जो ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल रूट्स जो है वो अराइव हुआ इंडिया फ्रॉम अफगानिस्तान थ्रू ईरान एंड चाहबार पोर्ट, एंड पीपल ऑफ अफगानिस्तान लेइंग इन द फाउंडेशन ऑफ सस्टेनेबल पीस एंड डेवलपमेंट इन द कंट्री। तो ये ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल रूट्स कन्वेंशन क्या है कि हम क्या करेंगे, इंडिया और अफगानिस्तान के थ्रू जो है चाहबार जो पोर्ट आ रहा है उससे क्या करेंगे, जो अफगानिस्तान स्पेसिफिक रीजन है वहां पे पीस की फाउंडेशन रखेंगे। ये इंडिया कहता है ये इस कन्वेंशन के जरिए जो है अफगानिस्तान में पीस आने की स्ट्रेटेजी के ऊपर बात हो रही है पूरी पूरी। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, आगे हम लोग चलते हैं, आगे बात करते हैं यूएन के सैनिटाइजेशन और हाइजीन फंड के ऊपर। ठीक है,
सैनिटाइजेशन और हाइजीन फंड के ऊपर बात करते हैं। देखिए मैंने कहा है कि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है, तो वही है कि शक्तिमान वो गंगाधर ही शक्तिमान है, तो क्वेश्चन में ही आंसर है, क्वेश्चन में ही आंसर है, ठीक है नहीं। जैसे गंगाधर ही शक्तिमान था वैसे क्वेश्चन में ही आंसर है। तो ये जैसे कंट्रीज हैं हाई बर्डन और जिनमें एक बेसिक सैनिटेशन की सर्विसेज जो है वो लैक कर रही हैं और उनके पास एबिलिटी भी नहीं है रिस्पॉन्ड करने की। मान लो कि केन्या हो गया, नैरोबी हो गया, चाहे केन्या ने भारत को जो है अभी राशन भेजा, बट जो है असल में वो बहुत गरीब देश है, तो उनमें सैनिटाइजेशन की बेसिक फैसिलिटीज वहां पर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सैनिटेशन की फैसिलिटीज के लिए जो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे उनके लिए क्या बना, यूनाइटेड नेशन सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन फंड। अब ये होस्ट किसके द्वारा किया गया, यूएन ऑफिस प्रोजेक्ट ऑफ सर्विसेज, और ये प्रोवाइड क्या करता है, ये टेक्निकल एडवाइस प्रोवाइड करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूएन एंड इट्स पार्टनर। अब इसके मेन ऑब्जेक्टिव की हम बात कर लेते हैं, मैंने कहा कि गंगाधरी शक्तिमान है, तो सैनिटेशन अब यहाँ का ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, ये नाम से क्लियर होना चाहिए हमें कि हाउस होल्ड सैनिटेशन को बढ़ाएगा। दूसरी बात मेंस्ट्रुअल और हेल्थ हाइजीन के ऊपर बात किया जाएगा। अब इंडिया में जो है इन चीजों के ऊपर अगर स्पेसिफिकली बात की जाए ना, कि हेल्थ के ऊपर कोई बात कर ले, हाइजीन के ऊपर कोई बात कर ले, वुमेन हेल्थ के ऊपर अगर कोई बात कर ले, तो उसे बिल्कुल एक अपराधी की नजर से देखा जाता है। बट एज एस्पायरेंट हमें इन सभी चीजों को देखना पड़ेगा, तो यूनाइटेड नेशन का सैनिटाइजेशन और हाइजीन के ऊपर अगर हेल्थ केयर और स्कूल में बात हो, फैसिलिटीज फॉर सपोर्टिंग इनोवेटिव सैनिटेशन एंड सॉल्यूशन। अब देखिए इंडिया में स्पेसिफिकली क्या हो रहा है, अगर हेल्थ केयर की बात अगर जब बात हो इंडिया में हेल्थ केयर के ऊपर, तो स्कूल्स पे हेल्थ एजुकेशन इम्पार्ट करनी जानी चाहिए, बेसिक कहा जाता है। मगर इंडिया में स्पेसिफिकली अगर हेल्थ केयर की और इन चीजों की बात अगर कर ली जाए, तो उसे एज अ ट्रेटर एज अ कल्प्रिट लोग ट्रीट करते हैं। तो सिस्टम बदलने हैं, तो जितने भी एस्पायरेंट्स हैं उनको चीजों को समझते हुए, जैसे वो एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं, तो चीजों को सबसे पहले जरूरत है ग्राउंड लेवल पे एजुकेशन सिस्टम पे काम करने की। तो आशा है जितने भी लोग देख रहे हैं वो जरूर इस चीज को समझ रहे होंगे और अधिकारी बनते ही इन चीजों पे जरूर काम करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन की जो है एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का नाम आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन देता है, यूनेस्को देता है। एस्टेब्लिश कब हुआ, 1945 में, हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में। ये एजेंसी किसकी है, यूनाइटेड नेशन की, टू कंट्रीब्यूट ऑन पीस सिक्योरिटी बाय प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ऑन कल्चरल एजुकेशनल एंड साइंटिफिक रिफॉर्म। गंगाधरी शक्तिमान है, ठीक है, पूरा नाम बता देगा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बस वो नाम की फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, बस कुछ नहीं है और क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। दूसरी बात ईयर ऑफ फॉर्मेशन और उसका हेडक्वार्टर, ये दो चीजें याद कर लीजिए, और अगर रिसेंट में कोई मीटिंग हुई है तो वो याद कर लीजिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यूनाइटेड नेशन आर्म ट्रेड ट्रीटी क्या है, वही है गंगाधरी शक्तिमान है, आर्म ट्रेड बेसिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। चाइना ने रिसेंटली यूएन की जो है आर्म ट्रेड ट्रीटी को ज्वाइन करने की बात की है, यूएसए ने जैसे ही कहा मैं जाता हूं, तो चाइना ने कहा मैं आता हूं, ठीक है। तो चाइना ने जो है अभी तक जितने भी पहले क्या था, अनकंट्रोल्ड ट्रेड चलता था, मगर अब क्या होगा, जितने भी एक्सपोर्ट ऑफ मिलिट्री प्रोडक्ट्स होंगे इसको ज्वाइन करने के बाद, तो वो कंट्रोल रहेंगे और ये एरिया की पीस और स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छी बात है। अब ये मूव कब आया, जैसे ही यूएसए बाहर आया आर्म ट्रीटी से 2019 में, तो उन्होंने कहा भैया मैं आ जाता हूं। तो चाइना का क्या है कि यूएसए की जहां से हेगेमनी कम हो रही है वहां से चाइनीज हेगेमनी ऊपर जाए, यानी कि चाइना की मोनोपोली ऊपर जाए और यूएसए नीचे आए। तो चाइना का जो अगर आप देखेंगे, तो चाइना जब भी वहां कोई प्रेजेंटेशन होती है तो सबसे पहले एक वीडियो आती है जिसमें कहा जाता है चाइना को सबसे ऊपर जाना है, तो चाइना ऊपर जाएगा तब जब यूएसए नीचे आएगा। तो भैया उसने कहा यूएसए वापस गया, उसने कहा मैं अंदर घुस गया। तो अब यहां से देखिए यूएसए ने जैसे ही इससे बाहर आने की बात की, क्योंकि जो है आम एक्सपोर्टर रशिया था, चाइना था, जो मेजर एक्सपोर्टर ऑफ आम थे, वो तो भैया इसके यूएन एटीटी के सदस्य नहीं है, वो एक्सपोर्ट करने लगा था और यूनाइटेड नेशन सैंक्शंस में है, और वो भी यूएसए जहां ट्रंप है, जहां मतलब पूरी इकोनॉमी पूरे डॉलर में चलती है, भैया पूरे देश की जो इकोनॉमी है वो डॉलर में सबसे ज्यादा मानी जाती है। एसडीआर किसमें काउंट होता है, वो डॉलर में काउंट होता है। तो भैया यूएसए जब और देश नहीं कर रहे, छोटे छोटे चाइना इंडिया, ये तो कुछ हुए नहीं ना यूएसए के सामने में, तो यूएसए क्यों करेगा जब ये जैसे रशिया और चाइना ये तो नहीं कर रहे हैं। वर्ल्ड क्या अभी यूनिपोलर वर्ल्ड है, तो भैया यूएसए ने भैया जब तुम जैसे छोटे छोटे देश नहीं कर रहे हो, तो भैया मेरा तो अपना भी स्वाभिमान है भैया, तो यूएसए बाहर आ गया। अब देखिए यूनाइटेड नेशन आर्म ट्रेड ट्रीटी क्या रेगुलेट करेगी, इंटरनेशनल ट्रेड एंड कन्वेंशनल आर्म्स फ्रॉम स्मॉल टू बैटल टैंक्स, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, वारशिप और जितने भी वेपन का फ्लो है इन द कॉन्फ्लिक्ट जोन। स्पेसिफिक कहां बात करी जा रही है, स्पेसिफिक बात की जा रही है कॉन्फ्लिक्ट जोन में। मान लीजिए कि यह अक्साई चीन का रीजन है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जोन है,
ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आम की ट्रेड होगा या फिर ये यहाँ का एरिया है जो डिस्प्यूटेड एरिया है, यहाँ पे जो है ये कॉन्फ्लिक्ट जोन में जो है अगर कोई चीज आ रही है तो वहां पर बात होगी, वहां पे क्या काम करेगी, यूनाइटेड नेशन आर्म ट्रेड ट्रीटी काम करेगी। ठीक है, तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा आपको, और बहुत सरल शब्दों में रखने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। तो इसके बाद ये कब एंटर करती है फोर्स में, 24 दिसंबर 2014। इसका इसके अलावा इंडिया जो है इसका कब से पार्ट है, नेगोशिएशन का शुरुआत से ही पार्ट है, और जितने भी बैलेंस है आर्म्स एक्सपोर्टर और उनके लिए जो है इंडिया स्पेसिफिकली बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल एंड पीस बिल्डिंग अफेयर्स, DDPA, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल एंड पीस बिल्डिंग अफेयर, गंगाधरी शक्तिमान है। ठीक है, तो स्टेब्लिश कब हुआ, 2019 में लाया क्या, फॉर्मर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल, दो डिपार्टमेंट थे पहले, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल अफेयर, दूसरा था यूनाइटेड नेशन पीस बिल्डिंग सपोर्ट ऑफिस, वो क्या था पॉलिटिकल और पीस बिल्डिंग ऑफिस को एक कर दिया, नाम पूरा एक कर दिया। ठीक है, अब ये काम क्या करेगा, ये करेगा डेडली कॉन्फ्लिक्ट और सस्टेनेबल पीस जो है उसके ऊपर काम करेगा। इसके अलावा जो है प्रोवाइड करेगा सपोर्ट टू UN सिक्योरिटी जनरल और इन्वाइट करेगा PS इन्वाइट इनिशिएटिव एज वेल एज UN के पॉलिटिकल मिशंस अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, स्पेसिफिकली इनके ऊपर तो पॉलिटिकल एंड पीस बिल्डिंग अफेयर्स के ऊपर काम करना है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल एंड पीस बिल्डिंग अफेयर्स ने। नाम से समझिए, बिल्कुल बिल्कुल सिंप्लीफाइड है, हम चीजों को ना बेवजह कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। अब मान लीजिए डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल एंड पीस बिल्डिंग अफेयर्स है, तो अब वो क्या यहाँ के सैनिटेशन के ऊपर काम करेगा, उसके लिए सैनिटेशन वाला फंड हमने पढ़ा था ना, तो हम क्यों जबरदस्ती चीजों को कॉम्प्लिकेट करें, जब चीजें बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में है तो चीजों को ना जैसे हैं वैसे समझेंगे तो जबरदस्ती अब मैं कान को ऐसे पकड़ूं या ऐसे घुमा के पकड़ूं, बात तो वही आएगी ना, तो कान को ऐसे पकड़ने के बजाय मैं ऐसे सीधे क्यों ना पकड़ूं। तो इस पे बेसिकली ये टारगेट दीजिए, लोग क्या करते हैं कि यहां से पकड़ा और ऐसे करके ऐसे पकड़ा, तो ये बिल्कुल नहीं करना है, सीधे सीधे कान पकड़ने को पाए तो ये कान मैंने पकड़ लिया, बस UPSC यही चाहती है कि सीधे पकड़े आप, ऐसे घुमा के पकड़ने की जो सोचेगा वो कभी क्वालिफाई नहीं करेगा एग्जाम। तो अब यूनाइटेड नेशन कमांड की बात कर लेते हैं, तो यूएसए लेट UNC जो है वो यूनाइटेड कमांड है फॉर मल्टीनेशनल मिलिट्री फोर्सेज, तो ये ओवरसी करता है हैविली फोर्टिफाइड मिलिट्री, DMZ का मतलब क्या होता है, डीमिलिटराइज जोन, तो DMZ का मतलब होगा डीमिलिटराइज जोन जो है उन पे काम करता है, और इंश्योर करता है जितनी भी आर्मी साइट हैं और जितने भी मतलब आर्म्स रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो हैं एग्रीमेंट्स हैं वो लाए जा रहे हैं बोथ नॉर्थ कोरिया और सूडान के बारे में। तो यूनाइटेड नेशन कमांड का क्या है काम, वो नॉर्थ कोरिया और सूडान के, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो DMZ है, ये नॉर्थ कोरिया है ये साउथ कोरिया है, यहाँ पर क्या है डीमिलिटराइज्ड जोन है, थोड़ा सा मैं गलत बोल गया हूँ तो उसके लिए क्षमा है। तो ये डीमिलिटराइज्ड जोन क्या है, ये स्पेसिफिक यहाँ पे यूनाइटेड नेशन कमांड जो है वो काम करेगा कि यहाँ पे जो है आर्मी साइट ना हो, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ना हो, जैसे हमने ऊपर पकड़ा पड़ा तो यहाँ पे पीछे हमने पढ़ा ATT पढ़ा आर्म्स ट्रीटी के बारे में पढ़ा, तो यही स्पेसिफिकली इस एरिया में काम कर रहा है। स्टेब्लिश कहाँ पे हुआ, 24 जुलाई 1950 इन टोक्यो एंड जापान। ठीक है, UNC के मतलब से समझ जाइएगा कि कमांड का मतलब क्या है, वो इन एरिया में जो है स्पेसिफिकली जो है काम नहीं करने देगा, मिलिट्राइज नहीं होने देगा, कोरियन आर्मी साइट एग्रीमेंट है, देखिए जैसे ये एग्रीमेंट था वैसे कोरियन आर्मी साइट एग्रीमेंट है। तो यूनाइटेड नेशन कमांड ने पाया कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जो है दोनों जो है डीमिलिटराइज जोन में जो है आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं और आर्मी साइट कर रहे हैं, तो इसके लिए कोरियन आर्मी साइट एग्रीमेंट 1953 लाया गया, और जो भी इस कोरियन आर्मी साइट एग्रीमेंट को जो है हॉल्ट किया गया मतलब 1950 से 1953 के बीच में, तो वहीं पर जो है कोरियन डीमिलिटराइज जोन का जो है कॉन्सेप्ट लाया गया। तो EM जो है 38th पैनल लाइन की जो है मतलब ये 38th पैनल लाइन है मान लीजिए, तो यहाँ पर इसके पैनल चलता है, ये एरिया जो है वो डीमिलिटराइज नॉर्थ कोरिया ये साउथ कोरिया, इस तरीके से ये डायग्राम आप देखिए सब कुछ मैं अगर यहाँ दे दूंगा ना तो मेहनत बिल्कुल नहीं करेंगे, एक बार जाके देखिए साउथ कोरिया कहाँ पे है नॉर्थ कोरिया कहाँ पे है और बीच में डीमिलिटराइज जोन है तो है क्या कहाँ पर है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, देखिए पूरी पूरी अगर खीर बना के देंगे ना तो कोई मेहनत नहीं होगी आपकी और पढ़ाई भी नहीं होगी स्पेसिफिकली। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। अब यहाँ पे फिर से देख लीजिए ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, तो गंगाधरी शक्तिमान है, तो स्टेब्लिश कब हुआ 1999 में, तो इसका स्पेसिफिक काम क्या है, फैसिलिटेट करेगा इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी फॉर डिजास्टर
रिस्क रिडक्शन, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के ऊपर काम करेगा, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये क्या करेगा, यूनाइटेड नेशन के जितने भी सिस्टम है फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ रिस्क रिडक्शन, इंश्योर सिनर्जी अमंग डिजास्टर और रिडक्शन एक्टिविटीज, मतलब बेसिक काम क्या होगा इसका, डिजास्टर से रिलेटेड चीजों पे सिनर्जाइज करना, कोऑर्डिनेट करना, ये बेसिक इसका काम होगा। अब ये ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट किसकी है, यूएन सेक्रेटेरिएट की है, और लेट किसके द्वारा की जाती है, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यूनाइटेड नेशन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेक्रेटरी जनरल फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। अब देखिए यूएनडीआरआर स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क लाया गया 2016 से 2021 के बीच में, जो जिसका एम क्या है, अब नाम से ही समझिए स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क 2016 से 21 यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन आ गया ना, तो इसका एम क्या होगा भैया, डिजास्टर को कम करना है, जो स्पेसिफिक एरियाज है वहां पे जो है, अगर अर्थक्वेक की बात है तो अर्थक्वेक प्रोन हाउस बना दो, फ्लड की है तो फ्लड प्रोन हाउस बना दो, मतलब डिजास्टर को जो है मिनिमाइज करके जो है केवल एक कैजुअलिटी के रूप में जो है वो लाना। और कस्टोडियन जो है इसका कौन है, वो सिंडाई फ्रेमवर्क है जिसका इंडिया भी सिग्नेटरी है। सिंडाई फ्रेमवर्क क्या है इसने कमेंट करके बताया, चलो उसके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट रहेगा, कमेंट जरूर करके बताना सिंडाई फ्रेमवर्क क्या है, इसको बताया, अब ये इंडिया में लाया गया है या कहाँ लाया गया ये पूरा पूरा बताना, ठीक है। तो आगे बात करते हैं कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है, सीडीआरआर के ऊपर बात कर लेते हैं हम लोग ना, स्पेसिफिकली क्या है सीडीआरआर क्या है। तो यूके ने जो है अभी अभी ये क्या है कि फर्स्ट को चेयर ऑफ गवर्निंग काउंसिल जो है यूएन यूएन का जो सीडीआरआई है कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेसिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर जो है को चेयर करने की जो है अभी अभी यूके ने जो है कंफर्म किया है। अब सीडीआरआई जो है वो चेयर कौन करेगा, को चेयर करेगा इंडिया, और ये अनदर नेशनल गवर्नमेंट जो है वो अगले 2 साल के लिए जो है नॉमिनेट होगी। इसके अलावा सीडीआरआई जो है वो अनाउंस किसके द्वारा किया गया था, उसको अनाउंस किया गया था इंडिया के पीएम के द्वारा ड्यूरिंग द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट ऑफ 2019, जो कि कहाँ हुआ था, यूएसए में हुआ था। तो ये बेसिक बेसिक चीजें जिनको आपको याद करना है, इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन से, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, फिजी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मालदीव, मैक्सिको, मंगोलिया, रवांडा, श्रीलंका और यूके। तो ये नाम कोशिश कीजिए याद हो जाए, नहीं हो तो आसपास के नाम याद कर लीजिए, ये बिल्कुल आ जाएगा, इनको चार चार पांच पांच बार जरूर रिवाइज करते जाइए, और एग्जामिनेशन में क्या होगा ना एकदम क्लिक कर जाएगा बस, और वो ऑप्शन क्लिक करना आपका क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो होगा। वॉलंटरी इंटरनेशनल ग्रुपिंग है ये, जो लिंक करेगी डिफरेंट गवर्नमेंट को, यूएन एजेंसीज को, बैंक्स को, प्राइवेट सेक्टर ग्रुप्स को, एकेडमिक फॉर बिल्डिंग ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वाले जितने भी वो है। और ये सेकेंड मेजर कोएलिशन है जो लॉन्च किया गया है इंडिया के आउटसाइड जो यूएन के बाहर है और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बाहर, इसकी सेक्रेटेरिएट कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। और सीडीआरआई जो है वो कॉम्प्लीमेंट किसको करता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जितने भी एफर्ट्स हैं उनको जो है ये सप्लीमेंट करता है। अब एरिडा फॉर्मूला है, लगभग वीडियो के एंड की ओर हम पढ़ चुके हैं, एरिडा फॉर्मूला क्या है, ये इनफॉर्मल मीटिंग है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की और इनफॉर्मली कन्वे कहां की जाती है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ यूएन मेंबर्स, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं, कहानी के तौर पे चीजों को अगर पढ़ रहे होंगे तो समझ रहे होंगे कि क्या चीजें चल रही हैं। तो अब बात कर ले रहे हैं यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी WRA, तो ये स्टैब्लिश होती है 1949 में बाय यूएन, ये प्रोवाइड करती है शेल्टर, बेसिक सप्लाईज, मेडिकल, एजुकेशन एड, वर्क अपॉर्चुनिटी जितने भी पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज हैं, मतलब यहाँ पे किसके लिए, पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज के लिए, और 5 फील्ड ऑपरेशन अलग अलग और भी हैं, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक इंक्लूडिंग ईस्ट ऑफ जेरूसलम, मतलब ये सभी आसपास के एरिया है, मैप पे देखिए कहाँ पर है गाजा, कहाँ पर है लेबनान, कहाँ पर है सीरिया, कहाँ पर है, मैपिंग वाली जो वीडियोज आएंगी उनमें तो हम कराएंगे ही, मगर तब तक के लिए आपका होमवर्क है IR का कि आप इसको करके रखिए तब तक, तो वहाँ पे आपका रिविजन हो जाएगा जब मैपिंग वाली वीडियोज आएंगी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, अमनान, जॉर्डन में है। यूनाइटेड नेशन असिस्टेंस मिशन फॉर अफगानिस्तान अनामा क्या है, ये पॉलिटिकल मिशन है एस्टेब्लिश किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, नोट करते जाइएगा। और ये किसके रिक्वेस्ट पे लाया गया, ये लाया गया गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे कि पीपल ऑफ अफगानिस्तान जितने भी है उनको हेल्प करने के लिए, और इसका एम क्या है, टू ले द फाउंडेशन ऑफ पीस एंड डेवलपमेंट इन द कंट्री, ठीक है। तो आपको स्पेसिफिकली इन चीजों पे बात करनी है। अब एडवाइजरी कमिटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चन ACQAB क्या है, ये एक्सपर्ट कमेटी है, 60 मेंबर्स जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है इलेक्ट करती है फॉर पीरियड ऑफ 3 इयर्स, जिसका बेसिक क्या है, ब्रॉड ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो है जितने भी एरियाज में ज्योग्राफिकल लोकेशन है उनमें जो है स्पेसिफिकली ये हो जाए, तो ये स्पेसिफिकली बात की जाए। आप
सर्व करेंगे पर्सनल कैपेसिटी और नॉट इन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंबर्स स्टेट। इसके अलावा देखिए एग्जामिन क्या करेगा, ये रिपोर्ट जितनी भी बजट की रिपोर्ट है सेक्रेटरी जनरल की या जनरल असेंबली की, इनको एडवाइस करेगा जनरल असेंबली से कंसर्न जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव और बजटरी मैटर्स हैं। अब इंडियन डिप्लोमेट एक विदेशी नेत्रा है, वो रिसेंटली UNACQAB में जो है अपॉइंट हुए हैं, इसीलिए ये न्यूज में था। तो अब देखिए मैंने क्या कहा, एडवाइजरी कमिटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चन, फिर बोलूंगा गंगाधरी शक्तिमान है। नाम पढ़ो, क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव एम्स सब पता चल जाएंगे, बस दो तीन चीजें याद करनी है, क्यों न्यूज में है, कहाँ का हेडक्वार्टर है और क्या क्या चीजों की वजह से जो है ये आगे न्यूज में रह सकता है। अब बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी UNCLOS, यानी कि जो पूरा इंटरनेशनल सी है ना उसको सी पूरा बहुत वास्ट सीज है। तो अब होगा क्या कि अगर बीच में सी आ गई तो वो कैसे गवर्न होगी, इसके ऊपर आ गया भैया UNCLOS यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। तो ये क्या बात करेगा, लॉ ऑफ सी डिवाइड्स मैरीन एरिया इनटू फाइव जोन, पांच जोन में डिवाइड किया याद रखना ठीक है। तो पांच जोन कौन कौन से, इंटरनल वाटर आता है सबसे पहले, उसके बाद टेरिटोरियल वाटर आता है 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन, एक डायग्राम है इसका, वो डायग्राम हम लोग टेलीग्राम पे डाल देंगे आप उस पर देखिएगा स्पेसिफिकली। तो ऐसे करके डायग्राम में यहाँ से 20 नॉटिकल मान लीजिए कि ये है, तो ये 20 नॉटिकल माइल से हो गया, अब यहाँ पर से क्या है फिर आगे को चले गए तो ये आ गया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसके बाद जो है 200 मीटर तक हाई सीज आ गया ठीक है, समझ गए होंगे बेसिकली। और जितने भी डिस्प्यूट होंगे इससे रिलेटेड वो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ सीज जो है, जो इसके अंदर कन्वेंशन के अंदर सेटअप की गई है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए भी आर्बिट्रेशन के लिए जो है रेफर किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया इसका मेंबर है और USA इसका मेंबर नहीं है, इसका मेंबर नहीं है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज का ठीक है। ये दो पॉइंट याद कर लीजिए और बाकी तो फिर गंगाधरी शक्तिमान है ठीक है, नाम आते ही समझ जाना है, बस दो तीन चीजें जो पॉइंट मैं जो जो बोल रहा हूँ वो थोड़ा थोड़ा याद कर लीजिए। अब डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, एरिक्सन एक्सिस केस, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूनाइटेड नेशन सिविल अलायंस, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, ये कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं। देखिए इंटरनेशनल मैरिटाइम सेफ्टी लाइफ, ह्यूमन राइट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी है, प्रोटेस्टिंग फंडामेंटल फूड सिक्योरिटी, लोकस्ट एनवायरमेंट, UN एनवायरमेंट, तो इन्हीं पे जो है पूरा जो है बात हम लोग कर रहे हैं। तो ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, ये लगभग आधे घंटे की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है शायद, तो कुछ एक पॉइंट जो बचे हुए हैं उनको डिस्कस करते हैं। और इस वीडियो को जो है मुझे लगता है कि आप लोग जो है बहुत प्यार देंगे, और क्योंकि कंटेंट में हमने कहीं पे कमी नहीं रखी है और समझाने में भी हम लोग कहीं पे जो है कमी नहीं रख रहे हैं, तो शायद आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। शेयर जरूर करिएगा, चैनल को लाइक जरूर करिएगा।